नमस्कार दोस्तों, हम आपको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में बता रहे हैं। अभी आपके सामने 65 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। इसमें 75 और 86 इंच के साइज भी आते हैं। ये एजुकेशन पर्पस से बना हुआ है। इसमें जो भी फीचर्स हैं हम आगे आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको शॉर्टकट की दिए हुए हैं, देखिए। यहाँ से पावर ऑन होता है, सोर्स है, मेन्यू है, वॉल्यूम अप डाउन, बेसिक की जो है वो सारे हैं। इस तरफ आपको यूएसबी दिए हुए हैं, 3 यूएसबी पोर्ट हैं, एचडीएमआई है, टच पोर्ट है, टाइप सी है। इसके पीछे की तरफ जो पोर्ट है हम वो भी आपको बताते हैं। ये इसके बैक साइड में भी आपको यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, साथ ही आपको पीछे भी एक टच पोर्ट दिया हुआ है, 2 एचडीएमआई पोर्ट दिए हुए हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ बनाने के लिए वाईफाई के स्टिक भी पीछे दिए हुए हैं। ये इसके बैक साइड में देखिए, आपको दोनों तरफ ये हैंडल मिलेंगे कैरी करने के लिए। इजी टू मूव है, ड्यूरेबल है और बहुत ही हैवी क्वालिटी का बना हुआ बोर्ड है। ये देखिए, काफी अच्छी क्वालिटी है। इस पे 3 साल ऑन साइड वारंटी आएगी आपको। हम इसे आपको चालू करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ब्राउजर दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी चीज को ब्राउजर से ब्राउज कर सकते हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर आप देते हैं तो ये आपको विदाउट किसी भी सोर्स के ऐसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। साउंड है इसका। ये तो ब्राउजर की बात हो गई, अब इसके बाद हम आगे के फीचर्स के दिखाते हैं। ये एक आपको शॉर्टकट बबल मिलेगा यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करके कहीं से भी आप होम पेज पर जंप कर सकते हैं। इसके बाद ये सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ से आपको फीचर दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें रैम आपको 4GB मिलेगी और 32GB इसमें आपको स्टोरेज मिलेगा, जो कि एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए सफिशिएंट है। एंड्रॉयड का 11 वर्जन है लेटेस्ट वाला। इसके बाद ये इसका वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, ये इसका बेसिक यूआई है, यूजर इंटरफेस। आप अगर चाहें तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक वाइट। यहाँ से आप मार्कर सिलेक्ट कर सकते हैं। इरेज करने के लिए इरेजर है, एक बार में सब कुछ इरेज कर सकते हैं। शेप दिए हुए हैं, आपको पढ़ाने के लिए जो भी टूल्स लगते हैं सारे टूल्स इसमें दिए हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही इजी इसका इंटरफेस दिया हुआ है। आपको ये होम पेज पर ही सारे शॉर्टकट के मिल जाएंगे। यहाँ से अगर कुछ ड्रॉ करना है तो यहीं से आप पेंसिल सेलेक्ट करके, कलर सेलेक्ट करके और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी क्लियर या इरेज करना है तो उसे आप इरेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे कहीं पे कुछ भी अगर आप चला रहे हैं या वीडियो चला रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, तो कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट के इधर हैं वही शॉर्टकट के आपको इस तरफ भी दिए हुए हैं। इसके साथ आपको 2 मैग्नेटिक पेन मिलेंगे, एक स्टाइलिश पेन मिलेगा और एक रिमोट आएगा। इस एंड्रॉयड पैनल को आप यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव से, लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के थ्रू आप विद वायर एचडीएमआई और वीजीए के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप विदाउट वायर भी लैपटॉप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ओपीएस सिस्टम लगता है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। ओपीएस सिस्टम लगाने के बाद में आप इसमें विंडो भी रन कर सकते हैं। अभी ये एंड्रॉयड में से 3 साल इस पर ऑन साइड वारंटी आएगी। और अधिक जानकारी के लिए हम आपको नंबर दे देते हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट करें,
आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।